हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मेरी थायराइड स्पेशल फ्रेंड के लिए सारे वीडियो हैं, यानी कि जिन भी आंटी लोगों को, जिन भी छोटी बहनों को, जिन भी मेरी फ्रेंड्स को जिस एज ग्रुप को थायराइड की प्रॉब्लम है, आपकी सारी प्रॉब्लम को आज मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने थायराइड चूर्ण भी आप लोगों से शेयर किया हुआ था, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और मैं भी पर्सनली यूज़ करती हूँ। अब बारी है थायराइड ड्रिंक की। ये थायराइड ड्रिंक आपकी बॉडी के स्वेलिंग को दूर करेगा, पेट में अगर स्वेलिंग है तो दूर करेगा, साथ ही साथ ब्लड प्यूरीफायर का काम करेगा। इवन जो लोग बोलते हैं कि जैसे इसमें काली मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपके ब्लड प्यूरीफायर का काम करती है, वो भी इसमें मैंने यूज़ किया है। बॉडी स्वेलिंग पूरी तरह से जाएगी, आपकी थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से ये स्वस्थ करेगा, यानी मेटाबॉलिक रेट को हाई करेगा, उसे मेंटेन करेगा। जो हम लोगों का थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है, वो इनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बहुत ही तेज़ी से बनता है और वेट गेन करते हैं, कुछ लोग वेट लॉस करते हैं, तो ये उसको पूरी तरह से संतुलित करेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो हो सके तो ये लोग, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देखे, प्लीज़ फॉरवर्ड करें उनको, जो लोग थायराइड से ग्रसित हैं, या फिर अपने फेसबुक पेज पे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लिंक ऊपर दिया हुआ है, यानी कि एक शेयर का ऑप्शन बना है, वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस टी को बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप मेजरमेंट के लिए, मतलब, और सबसे पहले आपको अपने ही किचन से बहुत ही थोड़ी सी आपको चाहिए हल्दी। आप देख रहे हैं क्वांटिटी, बहुत ही थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है। देन उसके बाद आपको लेना है बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी से ज़्यादा आपकी काली मिर्च होगी। नॉर्मल हल्दी जो होती है घर की वो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको बहुत ही थोड़ी सी लेनी है। देन इसके बाद आपको डालना है इसमें गर्म पानी एंड स्लाइस की हुई अदरक, जो आपके बॉडी की सूजन को पूरी तरह से निकाल के बाहर कर देगी, एंड थोड़ी सी आपको डालनी है इसमें दालचीनी, स्टिक वाली दालचीनी डालनी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, देन इसके बाद आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ढक दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मैंने स्टिक डाली है, सिमन स्टिक डाली है, अदरक डाली है, उसके एक्सट्रैक्ट इसमें आ जाए। और फ्रेंड्स, ये टी आपके थायराइड ग्लैंड को बहुत ही नॉर्मल रखेगी, यानी कि आपको मेडिसिन लेने की भी कुछ टाइम बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर 40 डेज आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। और इस समय मैं थायराइड की कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, बिकॉज मुझे 35 डे हो चुका है इसे लेते लेते, और मेरा जो है इस समय थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं इस समय कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। अगर इन केस मुझे फ्यूचर में मेडिसिन लेनी पड़ी, यानी कि अगर मैं ये नहीं ले रही हूँ, 20 दिन बाद अगर मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी, मुझे प्रॉब्लम हुई, तो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इस टीके 25 डे के बाद ही मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तब से 10 दिन हो गए मैंने मेडिसिन नहीं ली। और जिनको इसका स्वाद नहीं पसंद आता, बिकॉज एज़ यू नो ये काफ़ी तीखी चाय है, आप इसमें शहद 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हो। लेने की बात करूँ तो मॉर्निंग में खाली पेट लेना है और रात में सोने से पहले लेना है, बॉडी फुल तरह रिपेयरिंग मोड पे जाएगी और आपकी थायराइड ग्लैंड को बहुत ही ज़्यादा ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा सा फील कराएगी, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने से, मे बी आपकी मेडिसिन छूट जाए, या फिर अगर आप 200, 250, 300 mg खाते हो तो वो mg घट के 50 पे आ जाए। तो एक बार ये टी जरूर ट्राई करिएगा। ड्रिंक को बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ मॉर्निंग में लेना है और नाइट में लेना है, 2 टाइम लीजिए, 20 दिन में ही इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपको इसे 40 डे का कोर्स करना है, 40 दिन आपको इसे लेना ही लेना है। अमेजिंग रिजल्ट है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, यानी कि पहले आप एक बार चेकअप कराइए, देन इस ड्रिंक को लेने के बाद चेकअप कराइए, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक